हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z5 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, इसे सेलेक्ट करना है। ये आपका पेज ओपन होगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल का। इसमें इस पेज में आपको ना नेवर वाइब्रेट के सामने वाले सर्कल पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से ऑफ है, ठीक है। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए यानी कि इनेबल करने के लिए आपको नेवर वाइब्रेट के नीचे दो ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन नीचे के कैसे काम करते हैं, ये दोनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप अपने हिसाब से यहां पर कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर आप इसे ऑलवेज वाइब्रेट के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाएंगे तो ये आपकी सेटिंग ऑन तो हो जाएगी, लेकिन ये सेटिंग कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपके फोन पे कभी भी इनकमिंग कॉल आएगा आपके फोन पे कभी भी, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना वाइब्रेट करेगा। जितनी देर तक आपका मोबाइल फोन जो है रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा, उतनी देर तक आपका मोबाइल फोन जो है वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो है इस तरीके से काम करती है ऑलवेज वाइब्रेट पे टिक मार्क लगा के रहने से। अगर आप इसे नीचे की साइड वाइब्रेट फर्स्ट देन रिंग पे सेलेक्ट करेंगे सर्कल पे, तो ये आपकी सेटिंग ऑन तो हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगी। कैसे? देखिए, आपके मोबाइल फोन पे कभी भी कॉल आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन जो स्टार्टिंग में एक बार वाइब्रेट करेगा, उसके बाद वाइब्रेट नहीं करेगा, उसके बाद आपका मोबाइल फोन जो है सिर्फ रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा, ठीक है ना। कॉल आने पे आपका मोबाइल फोन जो है स्टार्टिंग में एक बार वाइब्रेट करेगा, उसके बाद लगातार रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है। ये दोनों सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इन दोनों सेटिंग्स से आपकी ये सेटिंग ऑन हो जाती है। आप जो पसंद आए आप इनमें दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करके सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, ठीक है।